प्रदेश भर में अंकुर अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम चल रहा है। ग्वालियर में भी अंकुर अभियान के तहत पौधरोपण अभियान लगातार जारी है। अभी तक इस जिले में 6 लाख पौधे लग चुके हैं, साथ ही उनकी देखरेख भी की जा रही है। अंकुर अभियान को लेकर ग्वालियर DFO ब्रजेश श्रीवास्तव के खास बातचीत की है, देखिए बातचीत। पिछले 5-10 सालों को देखा जाए तो सर सबसे ज़्यादा ऊँचा था। लगभग 1200 के क्षेत्र में हम लगभग 6,80,000 पौधे रोपण भी लगभग 85% होने का अच्छे। और ग्वालियर जैसा कि एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, वन भूमि यहाँ पे लगभग 1560 किलोमीटर स्क्वायर, और इस क्षेत्र में वन बहुत ही एक बिगड़े वन जिसका कैटेगराइजेशन होता है, जो वर्गीकरण होता है, वो यहाँ कैटेगरी जाता है। तो ऐसे समय पर वृक्षारोपण की उपयोगिता बढ़ जाती है कि हम अपने इस क्षेत्र को, ग्वालियर वन मंडल को और इन जंगल जो है पूरे ग्वालियर शहर को और हरा भरा, तो उस दिशा में एक बड़ा ही अच्छा बड़ा कदम इस साल उठा रहा है। तो बड़े स्तर पर जैसा कि मैंने अभी तक आपके संबंध में रहा, पिछला भी रिपोर्ट देखा जाए तो आपने इसने प्राथमिकता की सोच है कि पेड़ लगाओ तो पेड़ को लगाने ही काफ़ी नहीं, नशा वृक्ष को लगाने काफ़ी नहीं, उसको एक जगह समय तक जवान होने तक उस पर ध्यान दिया है। इस साल जो है मैं कुछ कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हुआ हूँ, जिसमें किशोर न्यायालय बोर्ड द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कराए गए और भी जो अलग अलग वर्ग समाज के हैं उनसे सब चर्चा हुई। एक चीज़ सामने आ रही कि जो हम वृक्षारोपण करते हैं हर साल हरियाली महोत्सव में जुलाई में, और एक फैशन सा एक ट्रेंड सा चल गया है कि हम उस फोटो को खींच के साधारण तौर पे अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे उसको डालते हैं, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे डालते हैं, और फिर मतलब वृक्षारोपण या पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता वहीं तक रह जाती है स्टेटस अपलोड करके। तो ये एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान नहीं है, आपको वृक्षारोपण करने के साथ साथ उसको उसकी देखभाल भी करनी है, उसे स्थापित करना है, उसको वैसे ही उसकी देखभाल करनी जिस तरह एक नवजात शिशु की जाती है जब तक वो बड़ा नहीं। और केवल पौधा लगा के उसी दिन लगा के फोटो खिंचा के भूल जाने का कोई अर्थ नहीं रहता है। आप जब तक उसको बड़ा करेंगे, स्थापित करेंगे, तभी वो हरियाली में अपना सहयोग दे पाएगा। तो वृक्षारोपण को एक उत्साह के तौर पर, पर्व के तौर पर लगाएं और इसको एक जिम्मेदारी के तौर पर लें, पर्यावरण से लगाव रखें, तो इसके ज़्यादा अच्छे। अच्छा, दूसरा नाम जैसे आपने कभी जो वृक्षारोपण को लेकर आपने एक टीम भी बनाई है और आपने बचाने में भी उसका वृक्षारोपण देखिए, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं वृक्षारोपण हर साल रहता है। दूसरे ग्वालियर जो अपना वन क्षेत्र है, ग्वालियर शहर है, ये अतिक्रमण के लिए बड़ा संवेदनशील है और यहाँ पे अवैध कटाई और अवैध उत्खनन के भी प्रकरण काश में आते रहते हैं, ये सब चीज़ों के संवेदनशील है। तो हमने वन दस्ता का गठन किया हुआ है, हमारी विशेष बस्तियाँ चलती हैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कटाई की ज़्यादा घटनाएँ होती हैं, कटाई के हिसाब से सेंसिटिव है, या फिर हमारे अवैध उत्खनन या शिकार की। तो हमारा दोनों तरफ से एक तरफ वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है हर साल, दूसरी तरफ जो हमारी वन संपदा अभी है उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड गठित किया हुआ है। जो जहाँ इस तरह की समाचार मिलता है किसी प्रकार की अवैध गतिविधि का, तो तत्काल वो जाके उसकी कार्रवाई करता है, कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है तो तत्काल उसको जो है डिस्ट्रॉय किया। इस बार हमारा 6,80,000 पौधे लगा रहे हैं, ये केवल वन क्षेत्र में, इसके अलावा आप लोग में डिफेंस डिपार्टमेंट में, एयरफोर्स में, कई सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा, कोर्ट द्वारा, और भी जितनी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, उनके द्वारा भी वृक्षारोपण के लिए वृक्ष की मांग की जाती है।